ये जो संकनेर का प्यार है इन्हीं ने आज एगले किया है। तो और एक जो संकनेर फेरस का एक प्यार है, इनका भी एक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। क्रिमसन बेलेज का एक प्यार है मेरे पास, तो ये भी अडल्ट है, ये अभी रेडी है, ये भी ज़्यादा दिन वेट नहीं कराएगा, एगले कर लेगा। इसका रिजल्ट वही जनवरी फास्ट में ही आ जाना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सनातन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SPM पेरर्स। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन वेट का बाद आज हम लोगों को फाइनली रिजल्ट देखने को मिला। ये जो संकनेर का प्यार है इन्हीं ने आज एगले किया है। मैं काफ़ी दिनों से इन लोग को देख रहा था, काफ़ी अग्रेसिव है, पहले जैसा बिहेवियर इन लोग का था अभी चेंज हो गया था। तो एक डेढ़ महीने से मैं इन लोग को स्टडी कर रहा हूँ कि बॉक्स का अंदर कंटिन्यू जाना और एग्रेसिव होना, उंगली दिखाने से काटने लगना, ये सब एक्टिविटी मेरे को फील हो रहा था कि ये एग ले करने वाला है। तो आज सुबह मॉर्निंग में मैं जब खाना देने आया उसको, तो हमने देखा कि ये बॉक्स का अंदर है। तो हमने बॉक्स का अंदर चेक किया तो एक जो है वो ले किया है। संकनेर पेरट जो है का 3-4 एग ले करता है, तो आज का दिन में देखा एक एग ले किया है, तो और 2-3 एग ले करने का उम्मीद है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं बॉक्स का अंदर जो एग ले किया है वो, उसको आप लोग को दिखाएंगे। ये फ्रेंड्स मेल और फीमेल दोनों बाहर में बैठा हुआ है, तो हम धीरे से बॉक्स को ओपन करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे जो एग ले किया है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, एक एग ले किया है, तो और भी एग ले करेगा क्योंकि कम से कम संकनेर पेरट 3-4 एग ले करता है, तो अभी उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे और देखेंगे फाइनली क्या रिजल्ट आता है। फर्स्ट टाइम ये एग ले किया है तो काफ़ी उम्मीद नहीं रखेंगे इससे कि ये एग जो है फर्टाइल होगा, फिर भी हो सकता है फर्टाइल हो जाए। देखिए काफ़ी अग्रेसिव हो रहा है फीमेल जो है, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डाइटिंग में हमने उसको सुबह जो देते हैं काला चना भुट्टा गेहूँ ये मिक्स दिया, उसके बाद एक फूड दिया था, उसके बाद हमने ये खीरा दिया है। तो कुछ देर के बाद हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल दे देंगे, उसके बाद हमने सीड मिक्स 3 बजे का करीब देंगे। तो और एक जो संकनेर फेरट्स का एक पेयर है, इनका भी एक्टिविटी काफ़ी अच्छा है, ये भी हमको लगता है कि ज़्यादा दिन लेगा नहीं, ये कम से कम 1-1.5 महीना का अंदर में ही एग ले कर देगा, ये भी काफ़ी एक्टिव है। ये इसका बॉक्स का अंदर जाना और थोड़ा सा एग्रेसिव होना ये फील होता है, तो इसका रिजल्ट 1-1.5 महीने का अंदर में हमको लगता है कि आ जाएगा। देखिए बॉक्स का पास वो रहता है कंटिन्यू, तो ये सब देख के फील होता है कि हाँ ये भी एग ले कर लेगा। इसका भी रिजल्ट आप लोग का सब तैयार करेंगे जब आ जाएगा। ये जो क्रिमसन बेलेज का एक पेयर है मेरे पास, तो ये भी अडल्ट है, इसका अभी तक बॉक्स हमने प्रोवाइड नहीं किया, 2 महीना हो गया बॉक्स ऑर्डर दिए थे, तो बॉक्स अभी
बन के आया नहीं है, तो वो बॉक्स आ जाएगा तो इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो बॉक्स देने के बाद पता चलेगा इनका रिजल्ट क्या है। ये फेयर भी काफ़ी अच्छा है, तो लगता है ये भी कुछ रिजल्ट जल्दी दे देगा। और ये जो हम लोग के पास एक पेयर ब्लू पनीर है, तो ये तो एक बार ब्रीड किया था, 5 एगले किया था, 5 चिक्स निकला था, उनमें से 1-2 चिक्स का डेथ हो गया और 3 बड़ा हो गया। ये चिक्स जो है आप देखिए यहाँ पे 2 अभी है, 1 सेल आउट हो गया। तो इसको मैं अपना फार्म के लिए होल्ड करूँगा, इसको सेल नहीं करवाऊँगा। बाकी ये अभी रेडी है, ये भी ज़्यादा दिन वेट नहीं कराएगा, 1 लेकर लेगा। हमको फील होता है कि ये भी 1 महीने के अंदर में इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ब्रीडिंग सीजन में अभी तक मेरा ये सन कन्यूर और ये ब्लू पैरट का जो कन्यूर है, इनका ही रिजल्ट देखने को मिला है अभी तक। बाकी सबका थोड़ा ऐसे रिजल्ट मिला नहीं है, जो है बाद में देखेंगे इसका किसका रिजल्ट आ रहा है। ये नेक्स्ट ईयर फरवरी में ब्रीड किया था, तो उम्मीद है ये जनवरी फरवरी में ब्रीड कर लेगा। ये भी सेम टाइम में जनवरी फरवरी में ब्रीड किया था, तो इसका भी हमको लगता है वही जनवरी फरवरी से ही स्टार्ट कर लेगा। ये देखिए, ये भी अभी जगह बना रहा है, बॉक्स का अंदर जा रहा है कंटिन्यू। इसका रिजल्ट वही जनवरी फर्स्ट में ही आ जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।